हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं हम सब लोग। तो जैसा आप लोगों को मैंने कहा था कि भाई सीए इंटर में हमारे मई 23 के लिए आरटीपीज जो है वो रिलीज हो चुकी हैं, और कल हम लोग लॉ वाले पोर्शन में एमसीक्यू वाला जो हमारा पार्ट है उसके ऊपर बात खत्म कर चुके थे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वाला पार्ट है उसके ऊपर हम लोग लगाने वाले हैं डिस्कशन। चलिए जी, तो बहुत फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसको जरूर आप लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज कई सारे तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो इस बार इन्होंने बढ़िया वाले इंक्लूड किए, तो जरूर आप लोगों को पूरा देखना ही चाहिए, इसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो हमेशा की तरह पहला पार्ट हमारा कंपनीज एक्ट का है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से उठाऊँ कंपनीज एक्ट का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हस्प्रीत लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। आजकल ये चीजें बहुत जोरदार होती है कि ये लोग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पर या लिस्टेड पब्लिक कंपनीज लिख करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना देते हैं, तो वहां पे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन का नाम अपने को फोकस करना है। हैविंग फाइव डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड विच इंक्लूड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बढ़िया। अब संकुल प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ हस्प्रीत लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी हो गई, और एक्टिवली कैरिंग ऑन इट बिजनेस, पेड अप शेयर कैपिटल है 1.5 करोड़ की विद 40 मेंबर्स, और टर्नओवर इनका है 18 करोड़ का respectively, and the said company is not a startup company। ये भी इन्होंने लिख दिया कि private company है लेकिन startup company नहीं है। In the context of aforesaid case scenario, please answer the following questions: whether Sankul Private Limited is mandatorily required to prepare cash flow statement for the financial year as a part of its financial statement, and provide your answer by analyzing Sankul Private Limited into following categories। अब हम लोग सब पढ़ करके आए हैं कि भाई जो भी हमारी कंपनी कैश फ्लो बनाने के लिए एग्जम्प्टेड है उनमें 1% कंपनी भी है, स्मॉल भी है, डोरमेंट भी है, और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है वो भी है, बराबर। बहुत सिंपल सी बात होगी। तो इन्होंने कहा कि भाई संकुल को अलग अलग रेफरेंस के अंदर देख करके बताइए कि ये कंपनियां वो हैं कि नहीं, और साथ में एग्जम्प्शन मिलेगा कि नहीं। तो बहुत क्लियर कट पता लग रहा है। सबसे पहले इन्होंने बोला अगर संकुल 1% कंपनी होती तो नहीं हो सकती है भाई, 40 मेंबर्स जब आप इसके कह रहे हो तो 1% कंपनी होने का तो सवाल ही यहां पे नहीं उठता है, बराबर, बात ही खत्म हो गई। सेकंड नंबर पे इन्होंने पूछा, अभी डिटेल आंसर भी देखेंगे, स्मॉल कंपनी हो नहीं सकती सर, टर्नओवर वगैरह तो सब कुछ इसका कम दिख रहा है, क्योंकि स्मॉल कंपनी कभी किसी की होल्डिंग या सब्सिडी नहीं होती है, और चूंकि ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी है एस्परेट की, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये कंपनी स्मॉल कंपनी भी नहीं है। तो दोनों में ही एग्जम्पशन कैश फ्लो बनाने से मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि कंपनी नहीं है। डोरमेंट कंपनी वो है जो काम ही नहीं करती है, लेकिन यहां तो लिखा हुआ है एक्टिवली कैरिंग ऑन बिजनेस, हर बात का आंसर दे रखा है, इट मींस ये कंपनी डोरमेंट कंपनी पे नहीं है, तो एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं। अगला पार्ट आता है प्राइवेट कंपनी। हमने कहा सर प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप होती है, तो यहां वैसे को लिख दिया नॉट ए स्टार्टअप कंपनी। दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि एक पब्लिक की सब्सिडरी है, तो आप लोग सब जानते हो पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी जो कंपनी रहेगा वो डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी माना जाता है, और उसको प्राइवेट कंपनी वाले एग्जम्पशंस अवेलेबल नहीं होते, तो इनको भी यहाँ पे एग्जम्पशंस मिलने वाले नहीं है। ये हमारा सीधा सीधा सा आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया। यहां से आप लोगों को अगर मैं आंसर दिखा दूं बचे लोगों, तो ये देखिए कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया कि भाई ये होता है, ठीक है, इसमें बैलेंस शीट, पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। फिर प्रोविजन में हमने समझा दिया किस किस को एग्जम्पशन दिया, ये रहा। और फिर इन्होंने जो पूछा, ये देखिए ये कंपनी ओपीसी है नहीं, 40 मेंबर है, बिल्कुल इस तरह से समझाएंगे, स्मॉल कंपनी भी नहीं है, क्योंकि स्मॉल कंपनी कभी किसी की सब्सिडरी नहीं होती है, बराबर। तो वो भी हमने समझा दिया, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी कैटेगराइज, भले ही टर्नओवर और कैपिटल लिमिट में हो फिर भी नहीं होगा। डोरमेंट कंपनी है नहीं क्योंकि एक्टिवली कैरी कर रही है बिजनेस, और प्राइवेट कंपनी भी नहीं है बिकॉज ये सब्सिडरी है, इसलिए डीम टू बी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, सो इनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और इनको साथ में मैंडेटरी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अटैच करना ही पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर। बहुत बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ करके अपने को जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। अमन इंजीनियर है, स्टार्टेड करता है न्यू कंपनी, नेम है नट एंड बोल्ट प्राइवेट लिमिटेड, ही गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी विद द सेम नेम, ठीक है भाई। हाउएवर नट एंड बोल्ट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एक ट्रेडमार्क है, सेक्शन 16 का क्वेश्चन हो गया ये। तो
आफ्टर 5 ईयर व्हेन द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क केम टू नो, 5 साल के बाद ट्रेडमार्क ओनर को पता लगा यार एक कंपनी सेम नाम से बनी हुई है, तो उसने एक एप्लीकेशन फाइल करी। अब सबको पता है ट्रेडमार्क अगर सेम है तो आप 3 ईयर्स में कंप्लेन कर सकते हो, उसके बाद कंप्लेन का कोई चांस ही नहीं। कैन द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी, हाँ ये हो सकता है। ये जो लिखा पहला क्वेश्चन पूछा है कैन द कंपनी बी कंप्लीटेड टू चेंज, नहीं भाई, क्योंकि 3 साल का टाइमिंग निकल चुका है तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं। क्या ओनर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है, हाँ ये हो सकता है कि आप कंपनी को रिक्वेस्ट करो सर नाम चेंज कर दो, और कंपनी फिर क्या कर सकती है, सेक्शन 13 में जो वॉलेंट्री चेंज का हमारा कंसेप्ट है एसआर पास करके स्पेशल रेजोल्यूशन वो कर सकती है, लेकिन मैंडेटरीली आप सोचो कि भाई कंपल्सरी जाके कंप्लेन करके चेंज करवा दोगे आरडी के ऑर्डर से, वो पॉसिबल होने वाला यहाँ पे नहीं है, खत्म। ठीक है बराबर, तो बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएगा, और ये देखिए इसका आंसर भी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ में ही। तो आंसर अगर आप देखेंगे तो यहां से इसका आंसर अपने को मिल जाएगा, ये रहा, ये देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 हो गया बराबर, जैसा आपको मैंने कहा हाँ जब भी इस तरह का कोई ऑर्डर देना है तो आरडी का सेंट्रल गवर्नमेंट 3 ईयर्स में अगर कंप्लेन की जाए तो ऑर्डर दिया जाएगा, और 3 मंथ्स में फिर इनको नाम चेंज करना पड़ेगा। ये देखो 3 ईयर्स में करना है, पूरा प्रोविजन आपको पहले समझा देना चाहिए, प्रोविजन समझाने के बाद फिर फाइनल आंसर हमारा ये हो गया कि ऑब्जेक्शन आफ्टर 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ है सो यहाँ पे 3 ईयर में होना चाहिए था, तो आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते भाई। हाँ सेक्शन 13 में आपने रिक्वेस्ट किया और वो वॉलंटरी चेंज करे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तो कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर अप्रूवल भी लेना पड़ता है जो अपने को पावर डेलीगेटेड कर दिए गए हैं, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, पहले भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। येलो लिमिटेड रिसीव अ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट, सेक्शन 129A जो नया सेक्शन आया था पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, एंड कंप्लीट ऑडिट करवानी पड़ती है, लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ता है पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट। अब बोर्ड इस बेस के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि अरे हमारी कंपनी तो अनलिस्टेड कंपनी है, बढ़िया चीज बचो, सेक्शन अभी देख भी लेंगे, पढ़ोगे भी आप, 129A जो है वो है ही अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, या तो अनलिस्टेड कंपनी है जिनको क्लासीफाई किया जाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी हमको नहीं चाहिए, गलत है भी तुम्हारा ऑब्जेक्शन, बिल्कुल तुमको ये बना करके देना पड़ेगा, तो 129A को अपने को समझा देना चाहिए, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो जरूर सबको देखना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया है, एकदम डिफरेंट टाइप का। उपकार निधि लिमिटेड, बच्चों निधि कंपनी के ऊपर ये क्वेश्चन हो गया है, was about to hold AGM on 25th of August, for which the notice of AGM along with relevant document as prescribed was sent to all its member including the following, सारे members को notice भेजा है, अलग अलग category है, ये notice एक ऐसे member को भेजा है जो a member, एक single member है, 800 रुपए की face value के share held कर रहा है, और paid up share capital में उसका हिस्सा 0.16% है, सर ये सब क्यों दे रखा है, बताऊंगा अभी। दो मेंबर जिन्होंने जॉइंटली शेयर हेल्ड करके रखे हैं, 1600 रुपए की फेस वैल्यू है और 0.32% इनका पेड अप कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है। 42 मेंबर्स हैं, हर एक ने 600 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर लेके रखे हुए हैं, 0.12% टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का हेल्ड कर रहे हैं, और बचे हुए जो भी मेंबर हैं जो इंडिविजुअली, ऑल द रिमेनिंग मेंबर होल्ड इंडिविजुअली हेल्ड कर रहे हैं मोर देन 1.2% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। AGM जो है वो 25 अगस्त को हो रही है, तो members were not provided facility of vote by electronic means, ठीक है भाई, वो listed company और specific companies के लिए होती है। In the context of aforesaid case, please answer whether Upkar Nidhi Limited was required to be sent notice of AGM along with relevant document to all its member, क्या इन members को meeting के notice के साथ में जो documents लगते हैं वो देने हैं कि नहीं देने, ये question पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको याद है सर 101 में AGM का नोटिस दे रखा है, नहीं बचे लोगों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है वो मिलेगा 136 निधि कंपनीज का जो डॉक्यूमेंट्स अपन लोग जब सेंड कर दे मेंबर्स को, उसके साथ इसका आंसर जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, कहां मिलेगा आपको बताता हूं, यहां से मैं आंसर भी आपको पूरा करवा रहा हूं। उसके अलावा बच्चों अगर स्टडी मैट में हम लोग जाएंगे, ठीक है, यहां से मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप आरटीपी से आंसर देखेंगे तो आपको बढ़िया आंसर मिल ही जाएगा भाई, और वही आंसर मिलेगा तो आईसी ने दे रखा है, लेकिन यहाँ से अगर मैं आपको स्टडी मैट का ही पेज नंबर भी दे दूँ पढ़ने के लिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिएगा, बताने जा रहा हूँ मैं,
और यहाँ से ये आ गए हम लोग कॉरपोरेट लॉ में आईसीएआई का, और यहाँ से हम लोग पहुँच जाते हैं सीधा सीधा सा हमारा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, और अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाले में हम लोग आगे बढ़ते 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 कहाँ आ रहा है भाई हमारा पोर्शन, सीएसआर ख़त्म हो रहा है 135 पे, बड़ा सेक्शन है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं आप लोग जानते हैं। और ये हाँ जी ये देखिएगा, ये हमारा 136 है, राइट ऑफ मेंबर ऑफ कॉपीज वाला पॉइंट है, 21 डेज बिफोर एजीएम के साथ में आप लोग नोटिस भेजते हैं बराबर। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक निधि कंपनी का पॉइंट अलग से देगा, ये देखिए बच्चों ये रहा, ये सेक्शन की आपसे मैं बात कर रहा हूं। 136(1) shall apply subject to the modification. निधि कंपनीज वैसे डिटेल अपने कोर्स में है नहीं, लेकिन ये प्रोविजन पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है, इन केस ऑफ मेंबर हु डू नॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर फॉर मोर देन 1000 रुपीज, जॉइंटली या इंडिविजुअली जिनके पास 1000 रुपए फेस वैल्यू या टोटल पेड अप कैपिटल का 1%, इससे ज्यादा अगर उनके पास में शेयर नहीं है, इट शैल बी सफिशियंट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन इफ एन इंटीमेशन इज सेंड बाय पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर। तो उनको क्या करना है, इस सेक्शन को फॉलो करने का जरूरत नहीं है, वो आप एक इंटीमेशन न्यूज़पेपर के अंदर डाल दीजिए, सर्कुलेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है सिचुएटेड, उसमें डेट टाइम और वेन्यू ऑफ एजीएम डाल दीजिए, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ इट्स एनक्लोजर कैन बी इंस्पेक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और ये लिख दीजिए कि भाई आप बिल्कुल आकर के रजिस्टर्ड ऑफिस पर डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, विद एनक्लोजर आर अफिक्स्ड इन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी के नोटिस बोर्ड के ऊपर ये लगा दिया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है, और मेंबर इज एंटाइटल टू वोट, जो भी पर्सन या प्रॉक्सी के थ्रू वोट कर सकता है वो आकर के उसको बिल्कुल चेक कर सकता है, ये एक फैसिलिटी अपन उसको देने वाले हैं। कंपनी शैल ऑल्सो अलाउ एवरी मेंबर और ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर होल्डर टू इंस्पेक्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो ये इन्होंने निधि कंपनीज के लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट बना करके यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए वापस आपको यहाँ लेके चलता हूँ, तो अब उस हिसाब से अगर देखें तो 1000 रुपए का फेस वैल्यू से अगर कम आपके पास में है या 1% से कम है तो उनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले मेंबर के पास 800 ही है भाई, तो इसका मतलब इसको इन्फॉर्म करने का जरूरत अपने को नहीं है। अब दूसरी वाली कैटेगरी का क्या करें भाई, यहाँ वैसे तो जॉइंटली 1600 रुपए 1000 से ऊपर है, उन्होंने कहा था ये या 1% विच एवर इज लेस, तो उसके हिसाब से तो 0.32% ही इनके पास में, तो एक तरफ फेस वैल्यू के हिसाब से तो ज्यादा है, लेकिन कैपिटल के अंदर अगर देखें तो कम दिख रहा है अपने को। ठीक है देखते हैं, अभी सारे पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें 42 मेंबर है, हर एक के पास खाली 600 का फेस वैल्यू है, तो इट मींस हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी होती नहीं दिख रही है। चौथे नंबर पे ये जो लोग हैं इनमें रिक्वायरमेंट 1.2% इनके पास में, तो उस हिसाब से दो ही लोग दिख रहे हैं। सेकेंड नंबर में जो दो मेंबर है जिनके पास 1600 है बराबर, और दूसरे नंबर पे जिनके पास में 1.2% है, इनको एजीएम का नोटिस जाना चाहिए, बाकियों को देने का जरूरत नहीं है ऐसा कुछ। तो आइए चेक कर लेते हैं इसका आंसर यहां से, ये देखिए इन्होंने आंसर कैसे दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर आप लोग पढ़ करके जाएंगे। ये देखिए 129 ये पूरा समझा दिया था, इन केस ऑफ निधि कंपनी वो जो स्टडी मैट का पैरा था वो अपने को एज इट इज यहाँ पे समझाया गया है ना, देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर हमने उपकार निधि लिमिटेड इनको नोटिस भेजना है, और क्लियर बोल दिया गया मोर देन 1000 फेस वैल्यू जिनके पास में हो या मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस बराबर, तो ही उनको नोटिस देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो आप लोग देख सकते हो जैसा मैंने कहा था, सिर्फ दो ही कैटेगरी को नोटिस दिया जाएगा, एक वो जिनके पास 1600 है, भले ही ये उनका 1% से कम है लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए से ज्यादा है, तो इट मींस इनको नोटिस देना है, प्लस जिनके पास में ऑलरेडी यहाँ शेयर की वैल्यू तो दे नहीं रखी थी, सीधा ही 1.2% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल है, तो इनको भी अपने को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो 1 और 3 वाली कैटेगरी जो अपन ने पढ़ी उसके लिए क्या करना है भाई, न्यूज़पेपर के अंदर दे दीजिए जो भी अपन ने पढ़ा, इंडिविजुअली इनको नोटिस डॉक्यूमेंट सेंड करने का, नोटिस ऑफ एजीएम अलोंग विद डॉक्यूमेंट सेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां से इसका बहुत बढ़िया आंसर इन्होंने दे के रखा है। तो ये आंसर आप लोग उधर एजीएम से भी क्वेश्चन बनता है, इधर से भी आता है, तो ध्यान रखेंगे, नहीं पढ़ा है तो जरूर इस प्रोविजन को पढ़ करके जाएं, निधि कंपनी भले नहीं है कोर्स में ज्यादा, लेकिन ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आने के चांसेस हो सकते हैं, जरूर पढ़ करके जाइएगा बराबर। क्लियर एकदम से अपने को बात समझ में आ गया कि क्या करना है, वैसे भी कंपनी का टोटल कैपिटल अपने पास में है नहीं,
ठीक है, हाँ वो ऐसा मैथ्स कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भी फेस वैल्यू 800 है जो 0.16% है तो टोटल कैपिटल हम निकाल लें, फिर उससे कैलकुलेट कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। फेस वैल्यू या तो कैपिटल आपका 1% से ज्यादा रहे या फेस वैल्यू 1000 से ऊपर है, 1000 या ऊपर है, तो अपने को इसका मतलब उनको नोटिस देना है, अदरवाइज न्यूज़पेपर से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बराबर, नेक्स्ट पे आ जाऊं। एंसर द फॉलोइंग साइटिंग रिलेवेंट प्रोविजन। वायर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ का है और टर्म लोन ये ले रहे हैं 10 लाख का फ्रॉम एबीसी बैंक से टू परचेज इलेक्ट्रिक आइटम्स। मिस्टर तार वन ऑफ द डायरेक्टर, इनका ओपिनियन है कि इसको डिपॉजिट कैसे डिपॉजिट माने रहे भाई, टर्म डिपॉजिट साफ दिख रहा है तो टर्म लोन जो भी होता है उसको हम डिपॉजिट की कैटेगरी में डालते नहीं, तो कंटेंशन इज नॉट करेक्ट, कोई डिपॉजिट नहीं है ये। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कंपनी जो एलिजिबल है एक्सेप्ट करने के डिपॉजिट को अंडर 76 ऑफ कंपनीज एक्ट कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक एक्सचेंज 25%। देखिए, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए 35% परमिसिबल रहता है, बराबर, तो उनके लिए 25% नहीं, उनके लिए 35% है। अभी आंसर अपन चेक भी कर लेंगे तो 25 की जगह 35% वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात है, बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो एज इट इज दे दिया। रेड लिमिटेड कंपनी है 1/4/2020 की, अपने क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। बैलेंसेज इन्होंने जो ले रखे हैं 2021 और 2021-22 के, बराबर, 1/4 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो 2 साल ही हुए हैं। अब कंपनी जो है वो CSR एक्टिविटी में जाना चाह रही है 22-23 को, तो 22-23 के लिए 21-22 देख लो भाई, और 21-22 में याद रखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाता है, आफ्टर टैक्स नहीं देखा जाता है, बिफोर टैक्स ही आपको लेना भी है कैलकुलेशन में और वो ही देखा भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर ही दिख रहे हैं। आप जानते हो CSR लगाने के लिए प्रॉफिट ही दे रखा है और वो 5 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ प्रीवियस ईयर में चूंकि 7 करोड़ का प्रॉफिट है तो CSR तो लगेगा, और लगेगा तो पिछले 3 साल का एवरेज है, जितने साल हुए हो, पिछले 2 साल हुए हैं, दोनों साल का एवरेज निकालिए और into 2% मिनिमम अपन खर्च कर सकते हैं, वो अमाउंट अपने को कैलकुलेट कर देना चाहिए कि इसके आंसर में आने वाला है। चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो 2 क्वेश्चन अभी अपन ने किए यदि कंपनी के बाद वाले, ये देखिए सबसे पहला डिपॉजिट वाला, तो पहला वाला बट ऑब्वियस है टर्म लोन है, तो जो टर्म लोन होता है वो डिपॉजिट की तरह ट्रीट नहीं होगा, तो ये इनका कहना गलत है। सेकंड नंबर में गवर्नमेंट कंपनी इफ अमाउंट हैज डिपॉजिट टुगेदर विद अमाउंट ऑफ अदर डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल एक्सीड 35% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल फ्री जीरो प्रीमियम। तो ये जो कह रहे हैं मतलब 35% से ज्यादा नहीं ले सकती अभी गवर्नमेंट कंपनी भी। Therefore, the given statement, जहां लिमिट आप 25% कह रहे हो वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि इनकी जो लिमिट है वो 35% है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखना था। अभी जो आपको बताया मैंने ये देखिए, हाँ 500 करोड़ या मोर हो, टर्नओवर पूरा लिखेगा, 1000 करोड़ या मोर हो, या प्रॉफिट 5 करोड़ या मोर हो, तो हमको CSR बनाना पड़ेगा। अब 2% खर्च भी करना पड़ेगा, प्रोविजन इन्होंने समझा दिया है, और ये देखो प्रोविजन समझाने के बाद कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो लिया जाएगा वो बट ऑब्वियस है बिफोर टैक्स ही अपने को लेना पड़ेगा, तो 7 करोड़ का है, इट मींस रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। फिर 5 और 7 करोड़ बिफोर वाला, उसका एवरेज निकाल लो, उसका एवरेज निकाल के उसका 2% कर दीजिए, इतना अमाउंट जो है वो CSR पे खर्च करना पड़ेगा। ये पूरा कैलकुलेशन आप बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं, बराबर, क्लियर, बहुत आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो नाउ आते हैं बच्चे लोगों अदर लॉस के क्वेश्चंस के ऊपर फटाफट। मिस्टर सलील जो है वो परचेज करते हैं फर्नीचर वर्थ 1 लाख का फ्रॉम मिस्टर पूरन क्रेडिट के ऊपर, और रमन ने उसके लिए गारंटी देके रखा है, ठीक है इन्होंने परचेज किया तो ये हमारे डेटर हो गए, किससे परचेज किया, ये हमारे क्रेडिटर हो गए, ये हमारे हो गए श्योरिटी, ठीक है ना, गारंटी दिया है। ड्यू डेट के ऊपर जो हमारा डेटर है कुड नॉट मेक द पेमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पूरन ने केस कर दिया है रमन के अगेंस्ट में, श्योरिटी का अगेंस्ट में कर सकते हो। मीनवाइल जो फादर हैं डेटर के, उन्होंने 20,000 रुपया जो है वो क्रेडिटर को चुका दिया अपने बेटे के बिहाफ पे, तो 1 लाख में से 20,000 रुपया एक तरह से किसकी तरफ से आ गया, डेटर की तरफ से आ गया, श्योरिटी का लाइबिलिटी तो 80,000 ही होना चाहिए। मिस्टर रमन इन इग्नोरेंस ऑफ अबाउट पेमेंट, उसने बेचारे ने पूरा 1 लाख रुपया दे दिया, उसको पता ही नहीं कि 20,000 का पेमेंट तो हो गया है। Afterward, जब रमन को फैक्ट का पता लगा तो उसने पूरन को बोला भैया 20,000 रुपए मेरे वापस करो। पूरन डिनाय करता है रिफंड करने से, वो कहता है कि भैया ओनली जो सलील है वही आकर के मुझसे 20,000 ले जा सकता है, क्लेम कर सकता है, तुम कौन, हम आपके कौन भाई, एक्सप्लेन आपको बताना है कि क्या यहाँ पे श्योरिटी 20,000 ले सकता है। बच्चे लोगों सेक्शन नंबर 128 क्लियर लिखा हुआ है कि इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो को एक्सटेंसिव होता है,
है ना। तो को एक्सटेंसिव होने की वजह से ही यहां पे आप डायरेक्टली केस कर पा रहे हो श्योरिटी के अगेंस्ट में, और इसी वजह से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर ऑल्सो, रमन और पूरन के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट कितना है, जितना उसकी लायबिलिटी होगी उतना ही इसकी लायबिलिटी होगी, और चूंकि 20,000 वो दे रहा है तो उसका लायबिलिटी ऑलरेडी 20,000 से कम हो गया 80,000, तो ये भी 80 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, 20 जो एक्स्ट्रा दे दिए वो आप वापस रिकवर कर सकते हो, ये अपने को ध्यान में। नॉर्मल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी अपन ने पढ़ा है बाय मिस्टेक, अगर आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है वैसे सोचे तो, या हालांकि गारंटी वाला अपने को पोर्शन लगाना है, तो सिंपली अपन आंसर को लिख सकते हैं। चलिए जी, तो भी आंसर देख भी लेंगे। नेगोशिएबल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन पेबल टू आमिर और ऑर्डर। अरे तो सेम क्वेश्चन अपने बुक में है भाई, जिसमें अपने वो सेंस रिकॉर्ड्स पढ़ा है पूरा, वही तो है ये, तो आमिर और ऑर्डर पे बना हुआ है, और मतलब ये बिल जो है वो हो गया एक तरह से आमिर के पास में, ठीक है, उससे पहले भी होगा कोई ना कोई के पास में, फिलहाल आमिर के पास में। इसने बिल रानी को एंड्रोस कर दिया है, रानी ने दे दिया है काजोल को, काजोल ने दे दिया शाहरुख को, शाहरुख ने माधुरी को, और माधुरी से आमिर के पास वापस आ गया। अगर ये नॉर्मल बिल होता तो नेगोशिएशन बैक, राखी, काजोल, शाहरुख, माधुरी, ये सब लाइब्रेरी से फ्री हो जाते अगर ऐसा होता तो, अगर नेगोशिएशन बैक होता। लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि भाई अगर ओरिजिनली जब एंड्रोस किया था रानी को तो इसने लिख दिया था सेंस रिकॉर्ड्स, और जब आप सेंस रिकॉर्ड्स लिख देते हो तो कोई भी इंटरमीडिएट पार्टीज फ्री नहीं होंगी, एंड आमिर हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम मी, जो भी है माधुरी, शाहरुख, काजोल एंड रानी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए ना। सेम क्वेश्चन अपन लोगों ने करा हुआ है तो बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। अभी आंसर हम देख भी लेंगे, आगे ये दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर एक साथ ही आंसर देख लेंगे। एम के पास एक लैंड है 50, उसमें टेमरिंड ट्रीज है, ठीक है, उसके बाद में ही सोल्ड इज लैंड एंड द टिम्बर जो आई उन 50 ट्रीज को कट करने के बाद वो उसने एन को बेच दिया है, लैंड भी बेची और पेड़ काट करके बेच दिया। अरे बदमाश आदमी पेड़ काट दिए। एम वॉन्ट्स टू नो वेदर द सेल ऑफ टिम्बर टेंटामाउंट टू सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, टिम्बर बेचा वो इमोवेबल में आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको जनरल प्रोसेस एक्ट के हिसाब से देना है, बट ऑब्वियस है तो जो 50 पेड़ काट दिए गए हैं वो आप चूंकि टिम्बर है जमीन से अटैच नहीं है तो वो इमोवेबल में नहीं आना चाहिए, पूरा डेफिनेशन देके समझाना, लैंड जरूर इमोवेबल में आ जाएगी। इंटरप्रिटेशन में डायरेक्ट प्रीएम्बल का क्वेश्चन पूछ लिया गया हमेशा की तरह। आइए आखिरी तीनों क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। चलिए जी, सबसे पहले एनआईए चेक कर लें, तो ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 128 मैंने आपको कहा ही था, liability of the surety is co-extensive with debtor unless it otherwise provided by the contract, surety is liable for those amount, इसके लिए principal liable है, और principal चूंकि 20,000 दे चुका है तो आप 80,000 के लिए responsible रहोगे, है ना। तो इन्होंने बोल दिया रमन इज लाइबल ओनली फॉर 80,000, फुल पेमेंट अगर कर दिया तो 20,000 रुपये वापस ले सकता है। ये देखिए आ गया हमारा, पहले हमने negotiation back समझा दिया, लेकिन साथ में अगर सेंस रिकॉर्ड्स लगा दिया जाए तो आप जानते हो इंटरमीडिएट पार्टीज आर नॉट फ्री, अपने बुक में क्वेश्चन दे रखा है भाई, सबने कर रखा होगा। इन द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट अमर एंड्रोजर ने ऐसा ऐसा किया, ये देखो, बट इन द गिवन प्रॉब्लम आमिर जो है वो तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ही इज नॉट लाइबल टू रानी, काजोल, शाहरुख एंड माधुरी, वो खुद तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अपने को पता है क्योंकि बिल उसके पास वापस आ गया। लेकिन इफ द बिल इज नेगोशिएटेड बैक टू आमिर, ऑल ऑफ देम आर लायबल टू हिम एंड ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ देम, बराबर, क्योंकि जब कोई पर्सन सेंस रिकॉर्ड्स लेकर के बिल को आगे एंड्रोस करता है तो वो तो फ्री हो जाएगा, लेकिन और बिल वापस उसके पास आता है तो वो तो फ्री हो जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट पार्टीज कभी भी फ्री नहीं होंगी, वो सबसे पैसा ले सकता है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, बहुत इजीली कर सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा सेक्शन 3 क्लॉज 26 बच्चों डेफिनेशन पूरा समझाओ, यहां तक डेफिनेशन आ गया, इन्होंने जो जो समझाना था सब समझा दिया पूरा डेफिनेशन। फिर इन्होंने बोल दिया इन केस के अंदर 50 ट्री जो आपने ट्रीज काटे हैं अकॉर्डिंग टू वो डेफिनेशन लैंड जरूर इमूवेबल है, लेकिन टिम्बर चूंकि अटैच नहीं है अर्थ से इसलिए ये पार्ट इमूवेबल का नहीं होगा, ये आपको समझा देना है। और लास्ट में प्रीएम्बल वाला पोर्शन तो आप लोग जानते ही हैं, जो एम और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल लगाना चाहें तो बढ़िया सा आप यहाँ लगा देना, लेकिन कभी भी जहाँ पे कैन नॉट बी यूज फॉर कंट्रोल या क्वालिफाई के लिए काम नहीं करता, ये जरूरत पड़ती है जब अपने को लॉ बनाने वाले का माइंड चेक करना हो, क्यों बनाया प्रोविजन, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, उन सब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दो सिचुएशन दे रखी है, कोई भी एम्बिग्युटी अगर है इन द वर्ड्स ऑफ एनेक्टमेंट तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और जब अपने को लगता है कि भी बहुत जनरल मीनिंग इसका निकल करके आ रहा है तो भी अपन प्रीएम्बल को इस्तेमाल करते हैं। वो आई थिंक प्रीएम्बल में अपना वो आई थिंक हिंदू मैरिज वाला शायद एक एग्जांपल देके रखा हुआ है, तो वो एग्जांपल भी आप यहाँ पे चाहें तो जरूर लगाएं, बढ़िया तरीके से आंसर को लिखें।
तो यहाँ आकर के इस बार का आपका जो आरटीपी मे 23 का वो हमारा हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो बहुत फटाफट से इस सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि भाई हाँ कौन सा कहाँ आता था, कहाँ कभी रह गई, उसको मजबूती के साथ में तैयार आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी आप लोगों से ऑडिट के आरटीपी को लेकर के फिर मुलाकात होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।